Assalamu alaikum. Today our topic is movement in the plant body. One thing must be said, movement is also occur in the plant body. एक वो जी locomotion, एक वो जी movement. Locomotion, organism movement है, one place to another place. Movement एक जगह होकर, movement organ में होती है. Movement organ. और plant movement कहाँ होती है? Toward the stimuli. Toward the stimuli. तो इस तरह main दो part है. Number one is autonomic, जिसे respond के रूप में कहते हैं. ये movement due to internal stimuli. और दूसरी मूवमेंट होती है इंड्यूस्ड मूवमेंट पैरेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस. ये इंटरनल स्टिमुलेशन की तरफ होती है और वो एक्सटर्नल. अब इसके टाइप है ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट. ग्रोथ कर्वेचर में प्लांट का बॉडी पार्ट जो है वो ग्रो करता है, ब्रांचेस डेवलप करते हैं, उसको हम ग्रोथ कर्वेचर. इसके दो टाइप है म्यूटेशन. प्लांट जिगजैग मैनर में कभी इस साइड ब्रांच कभी इस साइड ब्रांच ग्रो कर रहे हैं, म्यूटेशन में कहते हैं. नास्टिक मूवमेंट जो है प्लांट के फ्लावर में होती है, स्पेशली रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन्स में होती है. एपिनेसिस, एपिनेसिस अपर पार्ट के फ्लावर में या पेटल्स के अपर पार्ट में ग्रोथ उसको एपिनेसिस, लोअर पार्ट में ग्रोथ उसको हाइपोनेसिस. आई होप ग्रोथ कर्वेचर इसमें प्लांट साइज इंक्रीज उसको ग्रोथ करेगा. म्यूटेशन और नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक तो मुझे एपिनेसिस. अब टर्नर मूवमेंट व्हेन द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पार्ट है प्लांट से इंक्रीज साइज एंड डेवलप टर्न्स इन दैट इज कॉल्ड टर्नर मूवमेंट. अब प्लांट से में जो मूवमेंट है टर्नर मूवमेंट है. इंड्यूस मूवमेंट या पैराटोनिक मूवमेंट. मूवमेंट इज ड्यू टू द इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलस. एक्सटर्नल स्टिमुलस अब ये इसके दो टाइप है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाते हैं एक नास्टिक मूवमेंट कहलाते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट उसके तरफ हो रही है, जो भी स्टिमुलेशन है उसके तरफ हो रही है, उसके वेव उसी साइड हो रही है, उसको डायरेक्शन मूवमेंट. जैसे जियोट्रॉपिकल मूवमेंट एक्सप्रेस ड्यूटर. अब रूट जो है वो प्लांट की ग्रो करेगी तो वेड अर्थ, इसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉफिक कहते हैं. स्टेम जो प्लांट का ग्रो करेगा अवे फ्रॉम द इसको हम नेगेटिव जियोट्रॉफिक करेंगे. इसी तरह हेमोट्रॉफिकल द मूवमेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड द केमिकल. अब इसका एग्जाम्पल जैसे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब फ्लावर के पार्ट होते हैं कैलेक्स करोना एंडोशम गैनेशम. गैनेशम के पार्ट होते हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवल्स. अगर आपको याद हो फॉर एग्जाम्पल सपोज ये स्टिग्मा है ये स्टाइल है ये ओवल है. पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से ट्रांसफर हो गए ओवल तक. फिर इधर क्या बन जाता है कि पोलन ट्यूब बन जाता है. तो फॉर्मेशन एग्जाम्पल ऑफ के बोल हाइड्रोडाइजम मूवमेंट इज बेस टुवर्ड द वाटर. अब रूट जो है जैसे वो ग्रो कर दिए टुवर्ड द वाटर इसको हाइड्रोट्रॉफिक. स्टेम जो है वो ग्रो कर है अवे फ्रॉम द वाटर दैट इज कॉल्ड जस्ट लाइक नेगेटिव फोटोट्रॉफिक हाइड्रोट्रॉफिक. सेट वाटर का मूवमेंट इज बेस टुवर्ड द टच स्टाइल. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको हम किसी सपोर्ट में ग्रो करते हैं किसकी वाल पर या किसी रस्से पे ग्रो करते हैं उसको हम थिग्मोट्रॉफिक कहते हैं. इस तरह का नास्टिक मूवमेंट ही नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है. बहुत ही एक्सटर्नल स्टोर है लेकिन ना जैसे फोटोनेस्टिक. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने लीव से दिन को बंद कर देते हैं रात को खोल देते या रात को बंद कर देते हैं दिन को खोल देते हैं इसको हम क्या कहते हैं फोटोनेस्टिक. थर्मोनेस्टिक कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से दिन को जब टेम्परेचर बढ़ जाता है वो क्लोज हो जाते हैं टेम्परेचर लो हो जाता है थोड़ा तो वो ओपन कर देते हैं. सिस्मोनेस्टिक ये फॉर एग्जाम्पल इसको इसको प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लीव को कोई चीज टच होती है आहिस्ता आहिस्ता फॉर एग्जाम्पल वो लीव बंद इसको हम सिस्मोनेस्टिक कहते हैं. इसी तरह नेक्टिनेस्टिक होता है. नेक्टिनेस्टिक ये भी स्लीपिंग मूवमेंट होती है. ये क्या करता है रात को अपने लीव जो है वो मोड़ देते हैं या क्लोज कर देते हैं इसको नेक्टिनेस्टिक. हेप्टोनेस्टिक होता है ये इंसेक्ट की वजह से होता है. इंसेक्ट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को प्लांट होते हैं जो कोई इंसेक्ट जब उसको टच करता है वो ऐसे क्लोज होते हैं. तो बड़ा ये पूरा एक क्वेश्चन है हमारा मूवमेंट इन द प्लांट पूरा एक क्वेश्चन होता है. कभी कोई क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ प्लांट तो वेरी सिंपल आप इसको इस तरह सिंपली आप इसको चार्ट बना लीजिए पढ़ सकते हो
autonomic movement, induced movement, autonomic, internal stimulation, induced movement, external stimulation, iske type pe growth kar rahe hain, tergal movement, aur is tarah eutrophic, gymnastic movement, aur is tarah geotropism, hypermotropism, hydrotropism, thermotropism, aur gastric movement, photonastic, thermonastic, cestonastic, nectinastic, heptonastic. Okay, we'll have the next episode about another topic.